डायरेक्ट आ जा रहे हैं बुक से उठ के, कि हम बुक से ही पढ़ के डायरेक्ट पूरा छाप दें, उसको एनालाइज करके अपने हिसाब से लिखने पड़ रहे हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जो बहुत पीछे से आ रहे हैं, जैसे 14 से और 15 के करंट अफेयर से आ रहे हैं। मेरे हिसाब से इस बार के पेपर अगर देखा जाए तो सभी से जैसे बात करके भी पता चल रहा है कि अब की के पेपर मतलब एज सच जैसे होने चाहिए यूपीएससी का पैटर्न जो 19 के बाद थोड़ा सा अजीब सा हो गया था 19 के आसपास, वो अब की जाके थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यूपीएससी के पेपर ऐसे ही होते हैं। और GS1 में थोड़ा ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था हालांकि और सब्जेक्ट से, और GS4 भी ठीक ही था। मतलब पल्सरी पेपर तो नॉर्मल था सर, बाकी नॉर्मल सिर्फ कट ऑफ मार्क्स पास करना पड़ता है तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता, कोई पढ़ते भी नहीं है, वैसे ही दे देते हैं मैक्सिमम लोग। आपका नाम? दीपक। कौन सा टाइम था आपका? सेकंड। और मीडियम? इंग्लिश। और ऑप्शनल क्या है? PSIR। ओके, सो अभी तक आपने GS के चारों पेपर दे दिए, ऐसे का भी दे दिए, आज जो कंपलसरी लैंग्वेज का होता है वो भी देकर आ गए हो। तो सबसे पहले आप GS का पेपर बताइए कि GS पेपर आपका कैसा रहा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? ठीक ठाक ही था यार पेपर तो, और मतलब क्वेश्चन भी ठीक ही थे, मतलब टफ भी थे, नॉर्मल भी थे, मतलब मिक्स में जैसा आता है वैसा ही नॉर्मल ही था। ओके, सो लास्ट ईयर आपका अगर रिजल्ट देखा जाए तो क्या रहा था? मींस लास्ट ईयर तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। ओके, यूपीएससी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था मेन से। हाँ, एक्चुअली मेरी डिग्री नहीं आई थी। ओके, तो उस चक्कर में मैंने कॉलेज के साथ ही दिया था ना सर अटेम्प्ट। ओके, तो डिग्री नहीं आई थी तो उस कारण तो मेरे मार्क्स नहीं लिखने दिया। नहीं, मेन्स लिखने दिया, उसके बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया। ओके ओके, तो उसके बाद मेरे नंबर अभी तक नहीं आए हैं, तो मेरे को पता भी नहीं कि पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ। ओके, सो आपने पेपर तो ऑब्वियसली बात है अटेम्प्ट किया है तो जायज़ होगा कि आपको समझ है कि कैसा रहा लास्ट ईयर का और इस बार का कैसा है। तो लास्ट ईयर का और इस बार में क्या डिफरेंस लगता है आपको पेपर के अंदर? कौन से ऐसे के अंदर? इस बार सारे फिलोसॉफिकल थे, जैसे थोड़ा टफ एंड में ही था, सब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा हो गया ऐसे इस बारी तो वो तो अब चेक करेंगे, उन पे डिपेंड करेगा कि कैसे क्या नंबर आते हैं। और GS वाले भी मतलब GS3 थोड़ा लंबा था, GS2 थोड़ा मतलब पिछली बार से ठीक था, मतलब करने लायक था, और GS1 में थोड़ा ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था हालांकि और सब्जेक्ट से, और GS4 भी ठीक ही था मतलब। GS4 हाँ, मतलब तो आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा जैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस माने जाते हैं, पॉलिटी से आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो किस पोर्शन से ज़्यादा लगे आपको? यार ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं होता है, वो तो हर बार चेंज होते रहते हैं। अब जो सब्जेक्ट वाइज है उसके अंदर तो जैसे GS1 में थोड़ा सा इस बार ही लग रहा है कि ज्योग्राफी पे थोड़ा ज़्यादा वेटेज है, मतलब एनवायरनमेंट भी आई गया है उसके अंदर और COP वगैरह हुई थी तो शायद उस कारण भी, और नॉर्मल ही है मतलब कि जैसा पैटर्न है, कोई पैटर्न तो फिक्स होता नहीं। अब प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहो और वैसे उस हिसाब से अरेंज करते रहो चीज़ें कि भाई कोई पैटर्न तो फिक्स है नहीं इसके अंदर। ओके, सो अभी जो कंपलसरी पेपर होता है वो दे के आए हो तो क्या क्या उसमें लगा आपको? कंपलसरी जरा ठीक ठाक ही होता है कंपलसरी के अंदर, तो क्या बताएं कि नॉर्मली था कंपलसरी, तो क्वालिफाइंग ही है ये तो बस। okay, तो हो जाएगा जैसे सी सेट होता है। हाँ, तो उसी की तरह आप इसकी भी प्रिपरेशन, जैसे मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं सी सेट की वजह से मेरा प्रीलिम्स रह गया, और जैसे मेंस वाले होते हैं तो मेरा कंपलसरी पेपर अच्छा नहीं गया था, इस तरीके से तैयारी नहीं करते, तो आपने भी ऐसा सीन था क्या? नहीं नहीं यार, मैंने तो ऐसा नहीं, मतलब कंपलसरी तो हिंदी थोड़ी सी मतलब देख लो, वरना देखनी हो तो, और थोड़ा लिख रखा हो तो ठीक है, वरना कंपलसरी तो हो ही जाता है, इतना टफ नहीं आता है। सी सेट थोड़ा सा मतलब करना पड़ता है, सी सेट की तो अलग चीज़ हो गई, सी सेट और ये कंपलसरी दोनों अलग है मेरे हिसाब से। राइट, ये ओरो का अलग फंडा हो सकता है, मैं अपना बता रहा हूँ ये किसके अंदर। ओके, सो जो पेपर पैटर्न को देखें अगर अभी जो आप देकर आए हो तो क्या लग रहा है आपको, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में हार्ड है या फिर नॉर्मल मॉडरेट? लास्ट से थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा ऐसे वैसे लगा लिया जाए, ट्रिकी है मतलब कि हार्ड तो क्या ही बताएं, मतलब कि ऐसे हो गया तो सब्जेक्टिवनेस ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो गई, GS3 वाला थोड़ा लंबा हो गया बस, मतलब कि इस तरीके से है तो बैलेंस्ड ही है, मतलब पिछली बार भी ऐसा ही था इस बार भी, मतलब मेरे को तो पर्सनली कुछ ऐसा लग नहीं रहा, और वो चेक करेंगे वो बताएंगे कि कैसा था, या अपने को तो सबको ऐसा ही लगता है कि पेपर जैसा था उस तरीके से। सो जो फ्यूचर एस्पिरेंट हैं पेपर्स को देखते हुए आपको क्या सलाह देंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या चेंजेस हो रहे हैं यूपीएससी एग्जाम? यार मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मैं तो खुद ही सेलेक्टेड तो मेंस लिख दो बार मेंस लिख रहे हो तो बस यही है यार, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो, सब चीज़ों को मतलब अच्छे से पढ़ो, कि ऐसे नहीं कि टॉपिक को देख लिया यार जो मटेरियल मार्केट में खाली, उसके पीछे भी नहीं भगना है, मतलब थोड़ा खुद से भी रिसर्च करो हर चीज़ के ऊपर, जैसे इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटीज़ पे क्वेश्चन आ गए थे, और IR का वेटेज जैसे PSI पेपर 2 के अंदर 4 क्वेश्चन पूछ लिया, हालांकि 2 ही आते हैं 2 या 3, पर थोड़ा सा मतलब पेपर्स को एनालाइज करते रहो और उस हिसाब से, काफ़ी क्वेश्चन तो पीछे से ही आए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से ही थोड़े बहुत घुमा फिर आगे रिपीट भी हुए हैं,
तो वही है कि ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध मार्केट के जो मटेरियल है उसके पीछे भगो, बस अपना पढ़ते रहो, टॉपर्स को भाई देखते रहो, किसी को बस मैं तो ये कहता हूँ फॉलो मत करो भयंकर तरीके से, मेन ही है खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, आप टॉपर बन जाओगे, आपकी स्ट्रेटेजी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाएगी, बस वो मेन है। कि बाकी सब कॉमन यही है, जो नए एस्पिरेंट्स अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखो, वही मैं तो मानता हूँ कि वही उनको अच्छे से सोल्व कर लो बस। ओके यही है बस इसके अंदर। थैंक यू सो मच भैया। ओके आपका नाम भैया? राज। ओके सो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये दूसरा है मेरा, दूसरा मेंस। दूसरा मेंस है। और मीडियम क्या है आपका? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। सो अगर हम बात करें, अभी तक आपने जीएस के चारों पेपर दे दिया, ऐसे कभी दे दिया, तो जीएस वन में किस टाइप के क्वेश्चंस थे? जीएस वन के भी क्वेश्चन नॉर्मली जैसे होते हैं, पैटर्न बेस्ड ही थे, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं था। और वन टू थ्री तक सेम ही था, थर्ड थोड़ा सा लेंदी लगा मुझे खास करके, और बहरहाल तो सही गया है। और जीएस फोर का पेपर कैसा रहा? जीएस फोर एथिक्स का पेपर तो सही था, वही मैं बता रहा हूँ कि वो सही था, बस बसरते आखिरी में लेंदी होने की वजह से केस स्टडी के टाइम थोड़ा सा मुझे टाइम लगा कि हाँ थोड़ा मैंने टाइम मैनेज सही से नहीं किया। राइट जी। ओके सो जैसे कि जो ऐसे का पेपर था तो काफ़ी हार्ड बताया जा रहा है, इस बार काफ़ी मीम्स भी बन रहे हैं कि हम ब्रह्मास्मी यूपीएससी इस तरीके से, तो आपके अकॉर्डिंग क्या था सर? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे का पेपर तो सही था सच की, मतलब चीज़ें जो थी, पर जैसे कुछ बैकग्राउंड वाले लड़के, जैसे मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं मेरे बैकग्राउंड की वजह से मैंने उसको मतलब अपना इनपुट दिया, और मेरे हिसाब से क्योंकि पिछली बार भी ऐसे में मेरे अच्छे नंबर आए थे, तो इस बार भी मुझे उतनी परेशानी नहीं हुई, बसरते मुझे चुनने में दिक्कत हुई कि कौन सा टॉपिक मैं चुनूँ जिस पर ज़्यादातर चीज़ें लिख पाऊँ, और फिलहाल तो अच्छा गया है, बाकी आगे देखते हैं। ओके सो लास्ट ईयर जो आपने पेपर दिया था मेंस का, तो क्या मेंस आपका नहीं हुआ था? मेंस नहीं हुआ था। ओके सो कौन से पोर्शन में क्वेश्चन या नंबर मार्क्स कम रह गए? मेरा जीएस 3 काफ़ी ख़राब गया था, और बाकी जीएस 4 काफ़ी अच्छा गया था, एसए काफ़ी अच्छा गया था, और कुछ दूसरे कारण थे जिनकी वजह से वो पेपर काफ़ी ख़राब गया था, क्योंकि एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले मेरा एडमिट कार्ड मिला था, क्योंकि हमारा केस चल रहा था यूपीएससी से, तो दिक्कत हुई थी। ओके सो सर आपने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया है, तो सर उस से कंपैरिजन करें तो इस साल के क्वेश्चंस क्या लास्ट ईयर की तरह है, या फिर जैसे कि यूपीएससी का पैटर्न होता है कि हर साल डिफ़िकल्टी होता जा रहा है? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से इस बार के पेपर अगर देखा जाए तो सभी से जैसे बात करके भी पता चल रहा है कि अब के पेपर मतलब एज सच जैसे होने चाहिए, यूपीएससी का पैटर्न जो 19 के बाद थोड़ा सा अजीब सा हो गया था 19 के आसपास, वो अब की जाके थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यूपीएससी के पेपर ऐसे ही होते हैं और ऐसे होने चाहिए। ओके जी। सो सर अभी आप मीडियम जो लैंग्वेज कंपलसरी होता है उसका पेपर देकर आए, तो क्या? तो ऐसे तो हिंदी मेरी अच्छी है, तो पिछली बार भी बहुत नंबर आए थे, तो पर हिंदी अच्छी थी, पेपर ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, बसरते कुछ एकाक दो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं कि वो लोगों को मुश्किल में डाले, जैसे कि पर्यायवाची उन्होंने पूछे जो काफ़ी कठिन थे, और एक उन्होंने वैसे याद हो तो बताइए सर, जैसे उन्होंने बाल का पर्यायवाची पूछा तो मुझे बस एक ही याद था केस, और उन्होंने आभूषण का पर्यायवाची पूछा, उन्होंने लहर का पूछा, उन्होंने दर्पण का पूछा, तो शीशा और आईना हो गया, ऐसे ऐसे करके उन्होंने पर्यायवाची तो काफ़ी मतलब अच्छे पूछे, साथ ही साथ उन्होंने मुहावरे भी काफ़ी अलग से पूछे, बसरते जो कैंडिडेट्स पेपर देखेंगे तो उनको हंसी भी आ सकती है कि अलग किस्म के मुहावरे पूछे गए अभी, और ओवरऑल तो हिंदी इजी ही आती है लगभग सभी के लिए। ओके सो हम विश करते हैं सर आपका ये अटेम्प्ट में जरूर हो सर। तो सर जो आप पेपर देकर आए हो, तो आप क्या सलाह देना चाहोगे फ्यूचर एस्पिरेंट है, अगर इन मेंस के पेपर को देखा जाए तो? मेरे हिसाब से अगर आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, तो आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब ऐसे खास करके मैंने पहले अटेम्प्ट में जो गलती की थी, या फिर मतलब लोग करते भी हैं कि वो ऐसे पोर्शन वाइज प्रिपरेशन करते हैं कि प्री वाइज प्रिपरेशन किया, फिर प्री हो गया, फिर मेंस वाइज किया, तो मेरे हिसाब से आपको एक होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा कि आप थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप तीनों स्टेप्स को साथ लेके चलिए, इंटीग्रेटेड मैनर में आप प्रिपरेशन करिए, तभी पॉसिबल है कि आप इजीली प्री निकालेंगे, मेंस निकालेंगे और इंटरव्यू निकालेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार है। ओके कौन सा अटेम्प्ट है आपके? मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। आपका थर्ड अटेम्प्ट, इसके पहले आपने मेंस वगैरह और? हाँ ये मेरा दूसरा मेंस है। ओके सो आपने अभी बताया कि आपका रिजल्ट लिस्ट में भी आया है ना? नहीं रिजल्ट लिस्ट में नहीं आया था मेरा। ओके ओके इंटरव्यू तक दिया था पिछली बार मैंने, और इस बार दूसरी मेंस दे रहा हूँ मैं। ओके दूसरी मेंस दे रहे हो। सो सबसे पहले आप ये बताइए, आपने चारों पेपर दे दिए हैं, जीएस के और एसए का भी दे दिया, अभी लैंग्वेज कंपलसरी दे के आए हैं, तो पेपर कैसे रहे आपके? पेपर टफ आ रहे हैं कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, तो थोड़ा ज़्यादा एनालिटिक साइड आ रहा है, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, और ऐसे नहीं क्वेश्चन डायरेक्ट आ जा रहे हैं बुक से उठ के कि हम बुक से ही पढ़ के डायरेक्ट पूरा छाप दें,
उसको एनालाइज करके अपने हिसाब से लिखने पड़ रहे हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जो बहुत पीछे से आ रहे हैं, जैसे 14 से 15 के करंट अफेयर से आ रहे हैं, उनको डील करना काफ़ी टफ पड़ रहा है इस बार। ओके, सो GS बन में अगर देखा जाए तो किस टाइप के क्वेश्चन थे लास्ट ईयर के कंपेरिजन में भी बताना? तो जो लास्ट टाइम मैं पेपर मैंने दिया था वो मुझे कंपेयर टू इजी लगा था, जबकि मेरी तैयारी काफ़ी कम थी। फिर भी इस बार मेरी तैयारी अच्छी है, लेकिन मुझे इस बार पेपर काफ़ी टफ लग रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो डायनामिक रेंज के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर रहे हैं लोग, और करंट अफेयर भी कोई फिक्स नहीं कि बस एक या दो साल कवर कर रहे हैं, जबकि 4-5 साल से भी उठा रहे हैं लोग करंट क्वेश्चन। ओके, और सो किस पोर्शन का वेटेज ज़्यादा लगा GS बन में आपको? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा करंट अफेयर वेटेज रखती है, वो आपके कहीं से भी घूम के आ सकती है, वो डायरेक्ट तो नहीं आएगा लेकिन वो आपको इनडायरेक्टली कुछ भी पूछ सकते हैं करंट अफेयर से लिंक करके। ओके, और GS2 पेपर के बारे में? GS2 पेपर के बारे में मुझे अभी याद नहीं है, सॉरी भाई। ओके, और 3 और 4 के बारे में? 3 सबसे टफ पेपर माना जाता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कवर चीज़ें कवर की जाती है, साइंस, टेक, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट। तो इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो किसी के पल्ले पड़े नहीं है, लगभग 4-5 साल पुराने क्वेश्चन, उसमें लगभग 15 मात्र क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो लग पूरी पूरे छोड़ने पड़े हैं, जबकि मैं कुछ लिख के आ गया हूँ ऐसे ही, देखते हैं क्या होता है। ओके, और ऐसे का पेपर बहुत टफ बताया जा रहा है, काफ़ी मीम्स भी बने हैं उस पर, तो आपके अकॉर्डिंग कैसे? ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे तो कुछ हवा ही लगी कि ये चल क्या रहा है, जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछ रहे हैं ऐसा कुछ जो मेरा उसमें उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। फिर भी हमने कुछ से कुछ लिखा है अपने हिसाब से समझ के चीज़ें, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो जो अभी लैंग्वेज कंपलसरी का पेपर था वो कैसा? लैंग्वेज तो ईजी होता है, अगर आप हिंदी बेल्ट से आते हो तो आप हिंदी और इंग्लिश पेपर आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अगर आप साउथ से हो तो फिर आपको हिंदी की थोड़ी दिक्कत होती है, वैसे इतना कोई खास दिक्कत नहीं होती। ओके, सो देखा जाए भैया, जैसे कि आपने लास्ट ईयर भी पेपर दिया और इस बार भी दिया, आपने बोला कि टफ ही लग रहा है मुझे, तो जो रेफरेंस बुक होते हैं, जैसे कि कहा जाता है UPSC में 10 सोर्सेज मत पढ़ो, 1 सोर्सेज पढ़ो एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपके अकॉर्डिंग क्या रहना चाहिए? ये बात बिल्कुल भी सही है कि जितनी ज़्यादा बुक रखोगे उतने ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होते हो, जितनी कम सोर्सेस आपके पास होंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज़ करो, क्योंकि आप कितनी बड़ी बुक ले लो उसको बाद में आप रिवाइज़ ना कर पाओ उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मेंस के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलता है, बैक टू बैक पेपर्स होते हैं, और वो आपके अगर रिवाइज़ नहीं हो पाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो दैट्स वाई कीप योर सोर्सेज वेरी शॉर्ट एंड क्रिप्स। ओके, सो जैसे मेंस का जो पेपर था अभी, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हो या फिर छोड़ के आ रहे हो पेपर? ये तो एक बेसिक फंडामेंटल रूल है कि एटलीस्ट आपको सारे क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, उसके अलावा सबसे पहले मेन चीज़ यही है कि सारे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद सेकंड थिंग है कि अपना कंटेंट आप इम्प्रूव करो, बस फर्स्ट मेजर थिंग यही है कि आपने क्वेश्चन पहले सारे कंप्लीट करके आओ। ओके, सो जो फ्यूचर एस्पिरेंट है उनको क्या सजेशन देना चाहोगे आप, क्योंकि लास्ट ईयर इंटरव्यू में भी अपेयर हुए, दोबारा से मेंस लिख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो 10-10 रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, तो वो यही प्रॉब्लम में आ जाए। एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि शुरुआत एकदम बेसिक से करें, किसी के बहकावे मत पढ़ें, कोचिंग के बहकावे मत पढ़ें, अपनी शुरुआत खुद से करें, NCERT उठाएं, जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे पढ़ें, और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और अपने ही नोट्स से ही पढ़ें, दूसरों के नोट्स में मत भागें कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें, उससे नहीं होने वाला है। कौन सा अटैम्प्ट है भैया ये आपका? सेकेंड अटैम्प्ट। इसके पहले आपने मेंस लिखा है क्या? नहीं, फर्स्ट मेंस है। ओके, सो आपका मीडियम क्या है? हिंदी। हिंदी मीडियम से? ओके, वेरी नाइस। सो ये बताइए, आपके अभी तक आपने जो GS के चारों पेपर दे दिए, ऐसे के अभी दे दिए, तो GS बन के अगर क्वेश्चंस देखे जाएँ तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए लास्ट ईयर के कंपैरिजन करें? इस बार थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन थे, अदरवाइज UPSC ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछता है, वही पैटर्न था, बस थोड़ा फैक्चुअल इस बार ज़्यादा था, स्पेशली पेपर 3 में। ओके, स्पेशली पेपर। और 2 पेपर कैसा रहा? पेपर 2 जनरली था, अब UPSC है तो सरप्राइज तो रहेंगी। बताइए। तो okay, वही था। सो अभी आप जो कंपलसरी पेपर है वो देकर आ रहे हो, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन थे? कंपलसरी पेपर तो नॉर्मल था सर, बाकी नॉर्मल सिर्फ कट ऑफ मार्क्स पास करना पड़ता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता, कोई पढ़ते भी नहीं है, वैसे ही दे देते हैं मैक्सिमम लोग। ओके, सो आपने अभी तक इतने पेपर दिए, तो कोई पेपर ऐसा रहा जो छूट गए हों, क्वेश्चंस पूरे ना कर पाए हों आप? हर क्वेश्चन, हर पेपर में छूटते हैं एक दो क्वेश्चन। तो आपने कोई ऐसा मतलब स्ट्रेटजी नहीं अपनाई कि हाँ एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस को मैं पूरा कर? अपनाई तो थी, पर वहाँ जब प्रेशर होता है या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे जो नहीं बनते तो फिर मैंने छोड़ दिए, टाइम कम पड़ जाता है कई बार। ओके, और आपका ऑप्शनल क्या है वैसे? मैथ्स ऑप्शनल है, तो आपको क्या लगता है मैथ्स ऑप्शनल कितना हेल्पफुल रहेगा आपके मेंस के लिए? भाई वो तो कल का पेपर देख के बताऊंगा। राइट। ओके, सो जो GS1 GS2 GS3 एंड GS4, तो आगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट है उनको क्या सीख लेनी चाहिए? ये पेपर है क्या हर साल की तरह ऐसा ही जो पेपर का लेवल है आप होता जा रहा है? यार भाई मुझे खुद नहीं समझ में आया, तो मैं क्या एडवाइस दूँ? राइट सर। ओके, थैंक यू।